सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, यह सिर्फ मेहनत और लगन का फल होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम गहलोत आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम देखेंगे 5 अगस्त के मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जी हां, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न होंगे जो एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, जैसे कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला राज्य देश का पहला शहर कौन सा बना है, आत्महत्या के मामले में 24% की बढ़ोतरी हुई है और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की है। तो चलते हमारे लेक्चर की ओर फ्रेंड्स, चलिए फटाफट देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, इसका सही उत्तर है। एक और प्रश्न इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी हाँ स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, यह परियोजना कौन सी नदी पर है, तो ध्यान रखिएगा सतलज नदी पर। कभी कभी भूल जाते हैं तो याद रखिएगा नासा, याद रखिएगा ना से क्या हो गया नापता और सत से क्या हो गया सतलुज नदी। जी हाँ, नासा याद रखिएगा इसकी ट्रिक है। और एक महीने में कितनी पावर हाइड्रोक्शन हो चुकी है, 1216 मिलियन यूनिट, चलिए बिजली पैदा कर दी गई। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, नागरिक उड़ान मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य के शहर का स्थानीय निकाय निर्देशशाला को ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दे दी, इसका सही उत्तर है हरियाणा सरकार। ध्यान रखिएगा, हरियाणा सरकार को 1 साल की अनुमति मिली गई है ड्रोन का उपयोग करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने जी, RMI इंडिया और किस आयोग ने हाल ही में विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी करी है, इसका सही उत्तर है याद रखिएगा नीति आयोग। ध्यान रखें, यहाँ पर RMI इंडिया और नीति आयोग ने विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें याद रखिएगा 2021 में कुल 90 करोड़, जी हाँ 90 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमानित भी इसमें बताया गया है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं 2021 में कुल कितने हजार करोड़ का घाटा होने की अनुमान लगाया गया है। जी हाँ, RMI और नीति आयोग की एक रिपोर्ट है। जी हाँ, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, भारत का कौन सा शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया, इसका सही उत्तर है भुवनेश्वर। याद रखिएगा, भुवनेश्वर में 100% टीकाकरण हो चुका है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब यहाँ से IMP प्रश्न कोई सी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और एक और क्वेश्चन जो है IMP है, 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख है, याद रखिएगा। दोनों के दोनों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कोविड से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का, चलिए अगले प्रश्न में भी प्लीज़ IMP जरूर लगाइएगा, नोट डाउन जरूर करिएगा। देखिए, हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामले 24% की बढ़ोतरी हो चुकी है। देखिए 24% की बढ़ोतरी कोरोना की वजह से, जी हाँ बेरोजगारी और कोरोना। चलिए ये ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्र अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। जी हाँ, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो फुल फॉर्म भी याद रखना आपको, ठीक है, NCRB राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और एक और प्रश्न इससे बन सकता है जो है, 2019 में सबसे अधिक लोगों की मृत्यु हुई है 553। जी हाँ, कौन सा राज्य, कर्नाटक राज्य में 2019 में सबसे ज़्यादा लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करी, ठीक है, ये दो प्रश्न आप लोगों को याद रखना है। चलिए, और 24% की बढ़ोतरी हो गई, जी हाँ बहुत ही चिंताजनक बात है। अगला प्रश्न आपके सामने जी हाँ, IMF ने गरीब देशों को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि को मंजूरी दी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, करीब 650 अरब डॉलर की मंजूरी दे दी गई है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड याद रखिएगा। और वर्तमान में IMF में 190 सदस्य हैं। जी हाँ स्टूडेंट, कितने सदस्य, 190 सदस्य। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से किसने सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है। देखिए विधेयक है, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा पारित करा गया है, ये लोकसभा के द्वारा पारित कर हो चुका है। जी हाँ, याद रखिएगा लोकसभा के द्वारा सामान्य बीमा
व्यवसाय का राष्ट्रीय जी हाँ राष्ट्रीयकरण हो चुका है। चलिए चलिए आज का अगला प्रश्न देख लेते स्टूडेंट्स। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने हाल ही में कौन सा आवधिक श्रम सर्वेक्षण प्रकाशित किया है? तो ये जो है आठवां जो है ध्यान रखिएगा श्रम बाल सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया है जी रिपोर्ट। चलिए जी हाँ इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। जी हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर आप लॉग ज्वाइन करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी परिवार विश्व का कौन सा सबसे अमीर फैमिली? जी हाँ याद रखिएगा कौन सी सबसे अमीर फैमिली है अंबानी, तो इसका करेक्ट आंसर है पाँचवीं। जी हाँ ध्यान रखिएगा पाँचवीं अमीर सबसे फैमिली अंबानी फैमिली। जी हाँ अब इसकी थोड़ी सी डिटेल भी याद रखिएगा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी और उसकी कंपनी एक मिनट में 1.1 करोड़ रुपए कमाती हैं। जी हाँ हर एक मिनट में 1 करोड़ रुपए कमाती है। वर्तमान में अंबानी परिवार के पास 77.3 अरब डॉलर यानी कि 5 जी हाँ ध्यान रखिएगा 5 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है। चलिए और ये पाँचवें नंबर पर है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न आईएमपी प्रश्न आपके सामने। जी हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ाने के लिए जी हाँ बढ़ावा देने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाउचर लॉन्च कराए? जी हाँ ध्यान रखिएगा इसका आंसर है ई रूपी। जी हाँ ई रूपी जो है लॉन्च करा गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, ध्यान रखिएगा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए। जी हाँ चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अगले प्रश्न पे तो आईएमपी लगाइएगा, बहुत सारी आईएमपी डिटेल रहेगी। देखिए हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग भारत और किस देश के बीच में शुरू किया गया? देखिए आईएमपी प्रश्न है ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो ये है भारत और बांग्लादेश के बीच में। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में 1 अगस्त 2021 को हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेलवे मार्ग जो है इसके मध्य मालगाड़ियों का नियमन चालू हो गया है और ये 56 साल के बाद इस रेल लिंक को वापस से शुरू किया गया है। जी हाँ आने वाली पीएससी एग्ज़ाम आईएएस इनको इसमें ज़रूर ये क्वेश्चन आ सकता है। जी हाँ 56 साल बाद वापस से इस लाइन को शुरू करा गया है, ध्यान रखिएगा भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चिल्हाटी रेलवे स्टेशन बंगाल में स्थित है। जी हाँ अब बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं बच्चों स्टूडेंट। बांग्लादेश की राजधानी सभी को पता है ढाका है। करेंसी याद रखिएगा टका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। जी हाँ इतनी आईएमपी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। चलिए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। रेगुलर आपको करंट अफेयर का लेक्चर मिलता जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।